याद है आपको हमारी देखी हुई थ्योरम थी log n प्लस log n इज इक्वल टू, हाँ मैं दोबारा बता दूंगा ना, पूरी इलेवंथ है ना, पूरी इलेवंथ में शुरू के 4 महीने बिल्कुल लू में जैसे अचानक निकाल देते ना वैसी वाली फील आएगी आपको, एकदम बिल्कुल लू वाली फील आएगी, एकदम लू समझते हैं ना, वो लू वो नहीं गर्मी वाली लू। अरे लॉग एन माइनस लॉग एन, इसलिए वो बच्चे अपने आप ही बाहर हो जाते हैं ना जो याद ही नहीं करते, ठीक है ना। लॉग एम अपॉन एन, श्योर है भाई, एम की पावर एन याद है, लॉग एम की पावर एन होगा तो एन आगे आ जाएगा, बेस में ए तो चल ही रहा है। कल मैं आपको ये 3 बातें बता चुका था, याद आ गया आपको, कल मैंने आपको ये 3 बातें बता दी थी। अब अपन आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे मान लीजिए मेरे को पहला क्वेश्चन जो लग रहा है लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, बेस में तेरे का 4, सही है भाई। अगर ढंग से देखा जाए तो इसे ऐसे ही पढ़ेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है 4 की कितनी डिग्री है, 0। 4 की कितनी डिग्री है, 0। इसका मतलब अगर ढंग से पढ़े तो 4 की 0 डिग्री, नहीं आना यार पढ़ते कैसे हैं, 4 की 0 डिग्री है, नहीं आया आपको बात समझ में, इसको पढ़ेंगे ऐसे ही ना, ये इसकी कितनी डिग्री है, तो सामने वाला बोल रहा है 0 डिग्री, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन 4 की 0 डिग्री है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन 4 की 0 डिग्री है, ऐसे तो लिखूंगा नहीं है, अरे जो मैं बोल रहा हूँ वही तो लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन 4 की 0 डिग्री है, नहीं है, और 4 टू दोबारा 0 तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर इतना, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 नहीं है, तो एक्स बराबर कितना, प्लस माइनस रूट 2, अभी भी कहानी पकड़ में नहीं, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 2 पल्ले नहीं पड़ा आपके, है ना भाई। जिनके दिमाग में हल्का फुल्का आया वो अगले पे आ जाओ। मान लो ये क्वेश्चन होता लॉग 4 एक्स प्लस 1 इंटू सॉरी प्लस के अंदर लॉग 4 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, सोचो अगर ऐसा लिखा होता, सही है। अब आप में से कितने लोगों को फील आ गई लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन बोले तो लॉग एम एन कर दूं, तो मतलब मेरे को इन दोनों की गुणा करनी चाहिए, मैंने मल्टीप्लाई कर दूं इन दोनों की, इन दोनों की मल्टीप्लाई विल बी इक्वल टू 0, नहीं आया आपके समझ में। अगर आपको ये थ्योरम समझ में आ गई तो भाई थ्योरम मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो पिछला क्वेश्चन बन गया, तो मेरे पास एक्स के कितना आंसर आएगा, वही पिछले 2 आंसर आएंगे, लेकिन अब की बार एक्स इज इक्वल टू रूट 2 और एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 2 को मैं चेक कराऊंगा। कैसे चेक कराऊंगा सुनना, x की जगह रूट 2 दोनों में डालता हूं, अगर मैंने x की जगह रूट 2 दोनों में रखा तो इट इज रूट 2 प्लस 1 और यहां पे देखा जाए प्लस लॉग रूट 2 माइनस 1, क्या आप ये बात पकड़ गए। अब मैं आपके सामने माइनस रूट 2 रख के दिखाता हूं, लॉग माइनस रूट 2 प्लस 1 और मैं आगे लिखा ही नहीं, आगे लिखा ही नहीं, यहीं रुक गया, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा रूट 2 की वैल्यू, चित्रांश रूट 2 की वैल्यू बताएं, माइनस 2 माइनस रूट 2, अरे रूट 2 की वैल्यू माइनस रूट 2 क्या बोल रहा है, बैठ जाओ, कितना माइनस का 1.41 याद आ गया आपको, हाँ आप में से कई लोग सदमे में चले गए थे, याद है ये बात हम लोगों ने बेसिक के अंदर लिखवा ली थी, माइनस का 1.41 क्यों है ना सनी, माइनस का 1.41 माइनस का 1.41 प्लस 1 माइनस के 1.41 में 1 जोड़ो, माइनस का 0.41 बचा के नहीं बचा, और लॉग नेगेटिव नहीं लेता, याद आ गया आपको, अरे लॉग नेगेटिव नहीं लेता, भूल गए क्या, कल बता था ना लॉग को हर तरफ पॉजिटिव चाहिए, बेस पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इसका मतलब कैसा हो गया, अनडिफाइंड हो गया, आया, इसका मतलब मैं इसको आने नहीं दूंगा क्योंकि इसके आने पे तो मेरा कान ही बिगाड़ देगा, नहीं है कान ही पकड़ में, लॉजिक समझ में आया आपको, तो फिर रूट 2 का आने दोगे, हाँ रूट 2 में कोई पंगा नहीं, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लॉग को सूट कर रहे हैं दोनों, नहीं है,
अच्छा सर, अगर आपने यहाँ क्यों नहीं डाला, यहाँ तो आपने डाला ही नहीं, उस क्वेश्चन में क्यों डाला? x की वैल्यू रूट टू मैं इसमें डाल चुका था, दिखाता हूँ आपको। अगर मैं आपके सामने ये वैल्यू रखता हूँ तो मैं आपके सामने क्वेश्चन में रखता हूँ, क्वेश्चन है इस बार एक्स स्क्वायर माइनस वन, मैं इसमें रखूंगा तो x की जगह चाहे प्लस रूट टू रखू चाहे माइनस रूट टू रखू, तो आपको पता होगा माइनस रूट टू का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस वन, और आप में से किसी को पता होगा ये बन जाएगा कितना, वन। सोचना, रूट टू का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर टू, माइनस का स्क्वायर प्लस, नहीं है टू माइनस वन वन, और लॉग वन, अरे डिफाइंड और अनडिफाइंड, डिफाइंड क्योंकि पॉजिटिव है तो सर, और वो तो सेम है ना? नहीं, वो सेम नहीं है, ये इसका अगला स्टेप है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, ये नहीं है, ये तो इसका सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में डालोगे तो काम कर गया, बट फर्स्ट स्टेप में नहीं करा, अभी भी नहीं आया। हाँ, तो आपको अक्सर अपने आंसर को चेक भी करना पड़ेगा, नहीं है दोनों एक, वही तो मैं आपको बता रहा हूं, वो दोनों एक नहीं है, वो दो अलग अलग क्वेश्चन है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। हाँ, ये इसके जैसा लग रहा है लेकिन वो नहीं है, अंदर ही अंदर एक, आपको भी पता है अच्छे से, कहानी पकड़ में आई आपको? ये आपने पहली चीज सीखी कि सॉल्व कैसे करते हैं, जिनको ये थोड़ी सी बात समझ में आई उनके लिए अपन एक क्वेश्चन और उठाते हैं। रेडी, लेट्स सी कितना क्वेश्चन में समझ में आएगा। मान लीजिए मुझे किसी ने क्वेश्चन में दिया है सी पार्ट, टू लॉग एक्स बेस फोर इज इक्वल टू वन, कितना दिया है, टू लॉग एक्स बेस फोर। पहली चीज सुनना, देखें आप में से कितने लोग समझ गए, लॉग को अकेला करूं तो यहां पे टू को कैसे हटाऊं, टू को कहां भेजूं, अच्छा यहां पे वन बाई टू कर दूं, श्योर है भाई? नहीं है। दूसरा स्टेप पूछता हूं, कितने लोग इसे पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ूंगा, एक्स की एक्स फोर की कितनी है, वन बाई टू, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू फोर की पावर वन बाई टू, ये तो पकड़ में आता है ना आपको, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू कितना आया, टू। सोचो आप में से कई लोग जानते हैं कि ये किसके बराबर है, लॉग एक्स स्क्वायर के, याद है ना आपको, पता है ये इसकी डिग्री कूद के आगे आ सकती है, तो ये कूद के पीछे भी तो जा सकता है, जबकि इसका आंसर लॉग इसका आंसर हमारा कुछ और आया था, आपके नहीं आया समझ में, नहीं मैं क्वेश्चन की रॉन्ग जा रहा हूं, ठीक है। एनीवे मैं ज्यादा ही इसमें चला गया, बस ये इसको इतना ही समझो फिलहाल, ये कहानी पकड़ में आ गई आपको, है ना। इसमें मेरे को चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, हर जगह चेक करना चाहिए, लेकिन देखो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्यों नहीं पड़ रही, एक्स की वैल्यू टू रखो, रख दूं, अगर मैंने एक्स की वैल्यू टू रख दी तो टू इज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, इसका मतलब लॉग डिफाइंड है। हम तो ये देखते हैं कि मेरा आंसर जो मेरे पास आया उस पर कहीं ऐसा तो मैं आंसर नहीं दे आया जिस पर थोड़ी देर बाद बोलेगा एक मिनट, ये डिफाइंड ही नहीं है, कोई टोकेगा तो नहीं, मेरे को लास्ट में एक बार दोबारा देखना पड़ेगा। क्या अभी बात पकड़ गए, है ना, जिन्हें ये थोड़ी बात पकड़ में आ गई उनके लिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिएगा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां करें, यहां कर देते हैं, थोड़ा इसको उधर धक्का दे करके। हाँ भाई, क्वेश्चन सुनिएगा, इसी का डी पार्ट, क्वेश्चन में मेरे पास में है लॉग बेस में दे रखा वन बाई टू, इंटू में दे रखा टू एक्स प्लस वन, सही है, अच्छा माइनस में दे रखा लॉग बेस में दे रखा वन बाई टू, यहां दे रखा एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। हाँ भाई, कौन बताएगा, क्वेश्चन देखा आपने, कॉस के बेस में लॉग के बेस में क्या है, वन बाई टू, क्या दोनों सेम है कि नहीं है, लॉग कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं, लॉग एम माइनस है क्या, हाँ ये तो माइनस है, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एन माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन, सही है ना। तो आपको ये पता होगा लॉग बेस में तो हाफ कर दूं और एम की जगह ये और बाय एन की जगह ये कर दूं, नहीं है इज इक्वल टू जीरो कर दूं, लॉग एम बाई एन। अब देखो दूसरा काम, इसे पढ़ोगे कैसे, ये वन बाई टू की कितनी है, जीरो डिग्री, इसका मतलब टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन बाई टू की पावर जीरो है, नहीं आया, आया, ये वन बाई टू की जीरो पावर है और किसी की भी जीरो पावर वन, इसका मतलब यहां हो गया टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन। बताओ अगले स्टेप में आप क्या करते, क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इट इज टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, वन से वन कम कर दूं
इसमें से इसको घटाओ, x इज इक्वल टू क्या कहते हो आप, x की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, दैट्स इट, तो x इज इक्वल टू जीरो। अब मेरे को आंसर खटाखट चेक कराओ, x की जगह जीरो कहां रखूं क्वेश्चन में, रखो जरा मेरे साथ, x की जगह जीरो रखती log 1, पॉजिटिव या नेगेटिव, डिफाइंड है, यहां x की जगह जीरो रखो log 1, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो डिफाइंड है, कोई पंगा नहीं, कहानी पकड़ में आ गई। ऐसे हर बार आप चेक करोगे, खटक से ना कॉपी हो जाए। करिए, हाँ भाई क्या लगा है इसमें, फॉर्मूला बोल दो तुम तो, बस ठीक है ठीक है ठीक है, log mn, बैठ जाओ बैठ, log mn का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, सही भाई, आप चाहें तो इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसे पढ़ेंगे कैसे, ये 2 की 3 पावर है, ये 2 की कितनी पावर है, आंसर है 3, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 है, तो मैं सीधी सी बात यूं पढ़ दूं इसे, अगर मैंने इसे ऐसे पढ़ डाला तो इट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 2 की 3 पावर, माने 2 टू द पावर 3, दैट इज 8, तो आई कैन से ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, श्योर, ये 8 बना, ये इसमें से घटा गुड हो गया, आ गया फाइनली इट इज एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, वो भी मैंने कर लिया, फैक्टराइज भी कर लिया, अगर मैंने फैक्टराइज कर लिया तो मेरे पास x के नाम पे दो आंसर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है माइनस 5 और एक आ रहा है x इक्वल टू 1, चेक कर दूं, अगर मैंने माइनस 5 उठा के इसमें रख दिया तो आपको पता होगा ये बन जाएगा log बेस टू 1 माइनस 5, सोच लिया आपने, मेरे को आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहीं रोक दूंगा, क्यों, क्योंकि नॉट इन डोमेन, अरे ये ले ही नहीं सकता, सही ना भाई, तो क्या मैं 1 रख के देख लूं, 1 रखने पे इट इज log बेस टू 1 प्लस 1 और इट इज पॉसिबल, क्योंकि अंदर वाला कैसा बन गया, पॉजिटिव, इसका मतलब मेरा आंसर सही है, नहीं है ये कहानी पकड़ में, इसलिए आंसर x इज इक्वल टू 1 ओनली, यही आंसर है, बाकी वो आंसर नहीं है, ठीक है ना भाई, अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन है, जिन लोगों ने जबरदस्त काम किया बढ़िया, अगले क्वेश्चन में करके दिखाएं, log 4 माइनस एक्स बेस में दे रखा 2 इक्वल टू 4 माइनस log बेस में 2 इंटू 2 माइनस एक्स, डू इट, हाँ इक्वल टू, अच्छा ये भी ध्यान रखना माइनस 2 माइनस एक्स है, करिए नहीं बाकी को बना ही नहीं, फार्मूला कौन सा लगाना है, पहली बात तो इसको उधर बुलाओ फिर फार्मूला लगेगा, वहां दूर से बैठे बैठे थोड़ी ना फार्मूला लगेगा, log बेस 2 इंटू माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 4, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगने वाला है, log m इंटू n, क्या ये बात सही है, क्या यहाँ पे log m प्लस log n दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे log m इंटू n कर दूं, तो बेस में तो 2 है, अंदर ही अंदर इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4 माइनस एक्स इंटू माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 4, हाँ भाई पढ़ेंगे कैसे पता है ना, ये 2 की कितनी 4 पावर है, इसका मतलब ये 4 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 की 4 पावर, सही है ना भाई, 2 टू द पावर 4, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इट इज माइनस 8 माइनस 8 माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 2x प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, सही है भाई, इसका मतलब इट इज एक्स स्क्वायर 16 आएगा, सॉरी हाँ 16, x square minus 2x, ये minus का 16 उधर आके minus का 24, श्योर इक्वल टू 0, फाइनली अपने पास आ जाएगा 6 and 4, श्योर है, दैट इज x माइनस 6 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इससे हमारे पास x के नाम पे एक वैल्यू आ रही है 6, एक आ रही है माइनस 4, चेक करें, yes, sir. पहले 6 पे चेक करके दिखा दूं, तो x इज इक्वल टू 6 पे चेक करके दिखाता हूँ, x इज इक्वल टू 6, रेडी भाई, x इज इक्वल टू 6 अगर मैंने यहाँ रख दिया तो आपको पता होगा ये दिखेगा कैसा, log 2 4 माइनस 6 और अंदर नेगेटिव आते ही मैं आगे डाटा कर दूंगा,
इसका मतलब x = 6 नहीं चलेगा। अब x = -4 रख के दिखाऊं, log बेस में 2, सही भाई यहां रख दूं तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस 4, अंदर ही अंदर पॉजिटिव हो रहा है। सोचना आप, यहां देखो जरा प्लस के अंदर कितना, log बेस में 2 माइनस 2 माइनस माइनस 4, सोच लिया अगेन पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब दोनों केस चलेंगे। क्या ये बात सही है? Yes, नहीं आया। इसका मतलब मेरा आंसर कितना हो गया, x = माइनस 4, सो x = माइनस 4 आंसर। यहां तक ही कहानी पकड़ में आ गई तो बोलेंगे आ गया। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको फिर से एक थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा चैलेंजिंग चीज दे रहा हूं, क्योंकि अब आप में से कई लोगों का स्टैंडर्ड धीरे धीरे ग्रास्प हो रहा है। लेट्स सी आप में से कौन कितना करेगा। रेडी, क्वेश्चन है मेरा, लॉग बेस में दे रखा 10, सही भाई, यहां पर दे रखा ए बी प्लस रूट ओवर में दे रखा है ए बी का स्क्वायर, माइनस में दे रखा है ए प्लस बी 4 टाइम्स, माइनस में 4 टाइम्स ए प्लस बी, सही है, डिवाइड बाई 2, ठीक है, प्लस ए प्लस बी, यहां दे रखा लॉग बेस में 10 ए बी, माइनस में ए बी का स्क्वायर, माइनस में 4 टाइम्स ए प्लस बी, ठीक है, अपॉन में 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहले आप इसे सॉल्व कीजिएगा इक्वल टू 1 को, फिर अपने आप ही रास्ता मिल जाएगा, कर लेंगे। कौन सा फार्मूला लग रहा है आपको, लॉग एम प्लस लॉग एन, क्या करते हैं एम प्लस एम में, एम एन माने अंदर अंदर मल्टीप्लाई करनी है, आपको मल्टीप्लाई आता है कि नहीं आता, ये क्वेश्चन है मेरा, करिए। हाँ मल्टीप्लाई प्यार से कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, लॉग एम प्लस लॉग एन मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा नहीं कि आपने कोई गलती करी है, बस अब आपसे मल्टीप्लिकेशन में आपको ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल देख लेते हैं, अभी अपन अंडरूट में आपको दिख रहा होगा इट इज ए बी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, इट इज मल्टीप्लाइड विथ ए बी माइनस रूट ओवर ए बी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए प्लस बी बाई 2, श्योर। अब मल्टीप्लाई करने का टाइम आया, लॉग बेस में 10, देखिए दुनिया में सभी लोग, मैं क्या, सभी लोग एक ही काम करते हैं, आसान मल्टीप्लाई पहले होती है 4। यहां ध्यान से देखो, ये मेरे लिए ए है, ये मेरे लिए बी है, तो मुझे पढ़ने में आ रहा है ए प्लस बी, वैसे ही ये ए माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ए का स्क्वायर बोले तो ए बी का स्क्वायर, भाई ए का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माने इसका स्क्वायर है, जैसे इसका स्क्वायर करूंगा इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं और अंदर वाला तो सेम ही रहेगा, तो इट इज ए बी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए प्लस बी। क्या ये बात पकड़ में आ गई, नहीं आया? अब आपको तो पता ही होगा ये और ये हटा दूं, आप बताओ इसके हटते ही ये मार्केट में खुला आ गया। अब आपको दिख रहा है ए बी स्क्वायर, क्या दिख रहा है भाई, एक तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर और उस माइनस की वजह से ये प्लस का 4 टाइम्स ए प्लस बी, क्या ये दिखा, और नीचे की तरफ आपको क्या दिख रहा है 4, और इधर उधर क्या दिख रहा है लॉग बेस 10, श्योर। अच्छा अपन जिस चीज को छोड़ते हुए चल रहे हैं वो है 1, सही है, उसको भी ले आऊं। अब आपको पता होगा ये और ये कट गया, जैसे ये कटा तो 4 से 4 भी कट गया, क्या रह गया दुनिया में ए प्लस बी, सिर्फ ए प्लस बी रह गया, तो फाइनली मेरे लिए रह गया कितना लॉग बेस में 10 और यहां रह गया ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना रह गया 1। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपको पता है इसे फिर कैसे पढ़ेंगे, ए प्लस बी 10 की 1 पावर है, इसका मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1, इसका मतलब ए प्लस बी बराबर 10, क्वेश्चन खत्म। नहीं है, कहानी पकड़ में आ गई आपको, है ना, इतना सिंपल है, आया तेरे को, है ना, चल आगे चलते हैं, ठीक है, गुड एंड वेरी गुड। हाँ भाई अगले क्वेश्चन पे आइएगा, जिन लोगों ने ही बना लिया, हाँ भाई
नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, उसका नाम है फंडामेंटल आइडेंटिटी। फंडामेंटल आइडेंटिटी करें इस पे बात। हाँ, फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या कहती है वो भी समझे आप। फंडामेंटल आइडेंटिटी ये कहती है कि अगर आपको कभी भी ए की पावर लॉग एन बेस ए करने का मौका पड़ जाए तो इट इज एन इटसेल्फ। इसे ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन बता देता हूं। कंडीशंस क्या क्या है, जो ए है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ए कभी गलती से वन नहीं होना चाहिए, याद है ना, बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बेस वन नहीं होना चाहिए, और एन भी पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं याद आया, वही तीन बातें हैं जो पहले भी हमने करी है कभी ना कभी, याद है ना, ये बेस पॉजिटिव, ये बेस वन नहीं होना चाहिए, और एन हमेशा, बस तीन बातें हर बार कहेंगे। क्या क्या नॉट इक्वल, अच्छा नॉट इक्वल टू वन, सही है भाई। हाँ भाई, ये हमारे लिए फंडामेंटल आइडेंटिटी है। अगर आपको ये बात सुनने में आ गई तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि सर इसका क्या मतलब है। इसका मतलब क्या है वो सुना। इसका मतलब ये है कि जैसे कल को मेरे को लॉग एन बेस टू लिखा हुआ मिल जाए तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि ये लॉग का बेस और ये लॉग जिस पे बैठा है वो बेस सेम है। लॉग के अंदर का बेस और लॉग जिस पे बैठा है वो बेस सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे और आंसर कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। क्या ये बात पकड़ में आ गई, नहीं आई है ना, एक बार दोबारा से। चलो अगला क्वेश्चन, जैसे थ्री की पावर में लॉग फोर बेस थ्री लिख दिया किसी ने, लॉग का अंदर का बेस थ्री, लॉग के अंदर का बेस थ्री और लॉग किस पे बैठा है, माने दोनों बेस थ्री इन तीन है, तो ये दोनों एक दूसरे को हटा देंगे, क्या रह जाएगा फोर। क्या ये बात पकड़ में आई, जिन्हें ये छोटी सी बात पकड़ में आ गई उनके लिए एक और बात, ये हटा दूं है ना भाई। हाँ भाई, उनके लिए अगली बात भी सुनो, एक रिमार्क ले रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, इफ लॉग एक्स बेस ए, देख रहे हैं आप है ना, इसमें ए जो है ना बेस, ये बेस ए की जगह टेन आ जाए, लॉग में एक्स में बेस में टेन आ जाए, ठीक है ना, देन इट इज नॉन, इट इज नोन एज कॉमन लॉग। तब ये क्या कहलाएगा, कॉमन लॉग कहलाएगा। ये बात आपके दिमाग में भर लेना, अगर बेस में टेन है तो उसका नाम होता है कॉमन लॉग, राइट है भाई। अगर भाई तुम्हें दूसरी बात करा जाए, इफ लॉग एक्स बेस ई, अगर लॉग में बेस में एक्स ए की जगह पे ई आ जाए, बेस में क्या आ जाए ई, ई याद है 2.718, याद आ गया आपको, अगर बेस में ई आ जाए देन इट इज नोन एज नेचुरल लॉग, तब ये क्या कहलाएगा, नेचुरल लॉग होगा। लेकिन नेचुरल लॉग को हम उल्टा पढ़ते हैं, नेचुरल लॉग को कैसे पढ़ते हैं देखो जरा, इसे ऐसे पढ़ते हैं, लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू एल एन एक्स, ये एल एन एक्स का मतलब होता है लॉग नेचुरल एक्स, नेचुरल लॉग एक्स नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लॉग नेचुरल एक्स माने एल एन एक्स। तो याद रखना हमारी बहुत ज्यादा डिमांड उठेगी एल एन एक्स को लेकर के, बाद बाद में हम एल एन बोला करेंगे। एल एन का मतलब है लॉग एक्स बेस में कितना है ई है, बात समझ में आई। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो बेस में टेन था, दिख रहा है ना, बेस में क्या था टेन था, अगर बेस में टेन है तो हम क्या बोलेंगे उस केस में, कॉमन लॉग। हाँ, ये इट इज ए कॉमन लॉग। जैसे प्रलेपको में हर बेस में टेन है, हर क्वेश्चन का बेस ऑटोमेटिकली टेन है, बिना बोले ही टेन है, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मान के चलोगे कि बेस में टेन चल रहा है, जब वो चल के कोई अलग बेस ना दे दे, नहीं आई आपको मेरी, तो हमारे पास में दो तरीके, जबकि हमारी शीट किस पे चलती है, बेस ई पे चलेगी, वो एल एन एक्स है, आपको कहानी पकड़ में आ गई। अच्छा, एनसीईआरटी किस पे चलेगी, इस पे चलेगी, एनसीईआरटी इस पे चलती है, तो जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो बेस में ई चलेगा, नहीं आ रहा समझ में। हाँ, आपको ये विधा पता होनी चाहिए, भाई दो प्लेटफॉर्म है, एक में बेस में टेन है, एक में बेस में ई है। अच्छा, आपको अगर ये वाली बात पकड़ में आ गई तो मैं आपको जरा उधर लेके चलता हूँ, ठीक है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, सही है, देखें आप में से कौन सोच पाएगा, ठीक है। अच्छा बताना जरा, e टू द पावर एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू कितना, अब आपको ये पता होना चाहिए, ये लिखा हुआ है लॉग बेस में एल एन माने लॉग बेस में e, और यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या ये पता है कि नहीं पता, अरे अभी ये तो बता था एल एन का मतलब लॉग बेस e होता है, तो मैं यहां पे लॉग बेस e लिख दूं। अब बताओ इस लॉग का बेस
और जिस पे बैठा है वो सेम है, तो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वन। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, फंडामेंटल थ्योरम है, कहानी पकड़ में आ गई आपको? तो कहने मतलब ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है, ठीक है? अच्छा, जिन्हें ये छोटी छोटी बात पकड़ में आ गई कि चलो भाई ये कहानी भी पकड़ में आई, ठीक है, ठीक है। अच्छा रही बात, अब ये पंगा क्या है सर, ये सब आया कैसे? सही ना भाई, हालांकि मैंने कहा ना प्रूफ हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रूफ हमारा, हम पूरी 11th में यही करेंगे, प्रूफ बहुत करेंगे, ठीक है। इससे हमारी मैथ्स बुरी नहीं होगी, आपको पता है प्रूफ मैथ्स को खराब नहीं करेंगे, अच्छी नहीं करेंगे तो खराब भी नहीं करेंगे, हो सकता है किसी जगह फायदा ही कर जाए, तो इसलिए बहुत ज्यादा इसमें फड़फड़ाना नहीं चाहिए। आप में से अगर किसी को बुरा लग गए तो लॉग एन बेस ए को एक्स मान लो, मान लेते हैं, मान लो, ठीक है ना, मैंने इसको एक्स मान लिया, सर ये कौन सा, ये आपके दिमाग में यही क्यों आया, अरे ये इसके सर पे बैठा है ना, मैंने इसे एक्स मान लिया। अच्छा सर, लेकिन अगर आपने इसे एक्स मान लिया तो एक ही बार एक्स हो गया? नहीं है, अगर आपने इसे ये मान लिया तो एक ही बार एक्स हो गया? मैंने कहा हाँ हो गया, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं इसे पढ़ोगे कैसे, एन ए की एक्स पावर है, इसका मतलब एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स है, ये तो पढ़ेंगे ना भाई। अच्छा एन अगर इसकी एक्स पावर है तो एन इज इक्वल टू में ए और एक्स की जगह पे मैं वापस क्या लिख सकता हूं, लॉग एन बेस ए, हो गया प्रूफ? नहीं आया, अरे नहीं है, मजा एक्चुअली मजा नहीं आया प्रूफ, अरे समझ में तो आ गया लेकिन ये झटका लगता है ना, अरे हो गया क्या इतनी जल्दी प्रूफ? दोबारा सोचो, मैंने क्या किया इसको एक्स मान लिया, सही है, तो इसे पढ़ेंगे कैसे, एन अपने आप में ए की एक्स पावर है, श्योर है, तो मैं एन को एन ही लिखू, ए को ए ही लिखू और एक्स की जगह वापस ये रख देता हूं, लॉग एन बेस ए, हो गया प्रूफ? नहीं है, लेकिन हमारे को प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, हमारे को तो भाई फायदा देना चाहिए, फायदा कब आएगा, जब आप इसे बोलना सीखेंगे कि जब लॉग का बेस और लॉग जिस पे बैठा है वो बेस सेम है तो आंसर एन होता है, अभी भी नहीं पल्ले पड़ा, अगर आप ये समझ गए तो मतलब मेरा काम निकल गया, फिर प्रूफ रुक गया बाढ़ में, समझ में आया? अच्छा चलिए, जिनको ये खतरनाक बात समझ में आ गई उनके लिए राइट है, अब आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगे, देखो फिर लिख लेना ना इकट्ठे, ये लिखा हुआ 1/9, ठीक है ना, तो दो पावर लॉग बेस में दे रखा 3 यहां पे 7, हाँ भाई मेरी बात सुनते जाना और मेरे को जवाब देते जाना, देख लिया आपने? मैं सुनो मेरी बात, लॉग के बेस में क्या है, अगर कल को किसी भी तरह से मैं यहां 3 पैदा कर दूं तो ये 3 और ये लॉग 3 एक दूसरे को कटा देंगे, नहीं आ रहा समझ में? मेरे को कैसे भी लग रहा है बस यहां पे मैं कैसे भी करके 3 बनवा दूं, बस इसके कुछ भी दिमाग लगा के मैथ्स लगा के यहां 3 पैदा कर दूं, सही है कि नहीं? अगर मैंने यहां 3 बना दिया तो ये लॉग का बेस और ये बेस सेम हो जाएगा, खट कट जाएंगे, आपको समझ में आया? ऐसे मेरे दिमाग में एक शैतानी आ रही है, अब मैं कैसे सोच रहा हूं मैं इसमें 3 कैसे बनाऊंगा, मेरे दिमाग से 3 की पावर माइनस 2 है, 1/9, नहीं ये तो पता है ना। अच्छा ये अगर माइनस 2 है तो यहां पे लिख सकता हूं लॉग 7/3, बोलो हाँ के ना। अच्छा मैं एक और बात सोच रहा हूं कि आपसे एक बात पूछूं, ये और ये आपस में जुड़ेंगे कि घटेंगे, मल्टीप्लाई होंगे, क्या आपको ये बात पता है, ये दोनों मल्टीप्लाई, तो इसको मैं लिखूंगा 3 की पावर माइनस 2 लॉग 7/3, बहुत क्लोज जा चुका है मामला, बस ये माइनस 2 एक कांटा है जो अटका पड़ा है, माइनस 2 नाम का कांटा अटका पड़ा, ये हटा और मैं इसको खट से निकाल दूंगा, सही कि नहीं? आप में से कितने लोगों को लगता है ये माइनस 2 तो पावर में ले जाओ ना सर, नहीं आया सर, पावर में ले जाओ आप, आया याद है ना, पावर हो तो आगे ले आओ, आगे तो पावर में ले जाओ, तो मैंने क्या किया 3 की पावर में लॉग से 7 की पावर माइनस 2 कर दिया, बेस में कितना कर दिया 3, और जैसे ही हुआ सट सट कितना हुआ 7 की पावर माइनस 2, आंसर हो गया 1/49, क्या भी बात पकड़ गए कि नहीं? कहानी पकड़ में आ गई, ऐसे सोचते हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटी का यूज करते हैं। चलिए कॉपी कर लें आप, अब एक क्वेश्चन आप कर देंगे ना मेरे लिए, 8 टू द पावर दे रखा लॉग 7/2, आपको पता है कि अगर लॉग के बेस में 2 है, कैसे भी करके यहां 2 आ जाए तो आप काट सकते हो, सोच लिया आपने? कई लोग आंसर बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि वो आंसर बता पा रहे हैं, नहीं है?
मैं वेट ही कर रहा हूं आपका, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो शुरुआत में आप करो। हाँ भाई, कितने लोगों के पास आंसर आ गया? आ गया, चलो बढ़िया है। आप ये तो समझ गए कि मैं इसे 2 की पावर 3 लिख दूं, यहां पे log 7/2 कर दूं और ये दोनों आपस में, तो 2 की पावर 3 log 7/2 हो गया। फिर आप चाहोगे कि पावर कूद करके इसके सर पे आ जाए, तो यहां हो जाएगा 2 की पावर log 7/3/2 और फिर सट सट हटा 7 की पावर 3 बोले तो 340 नहीं है। देखिए जिनसे बनता जा रहा है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन दे दूं, है कि नहीं? अब तो मैं आपको दे ही सकता हूं। अच्छा चलिए बताइए, 2^log 1/512 वैसे तो मजा आता अगर लॉग के बेस में 512 की जगह 2 होता तो, लेकिन इस जगह बुद्धि लगाने की जगह ही नहीं है। यह आप में से किसी को पता होना चाहिए लॉग 1 हमेशा 0 होता है। यहां पे कोई कुछ नहीं करेगा क्योंकि लॉग 1 है भाई, लॉग 1 किसी ने छोड़ा, लॉग 1 0 खत्म। अरे नहीं याद आया, कल मैंने log 1/97 कराया था, इसे पढ़ोगे कैसे? 1/512 की कितनी पावर है? 0। किसी की भी 0 पावर 1 होता है, और किसी की पावर 0 1 होता है, नहीं है तो कहना मतलब ये 0 है, इसका मतलब 2^0 बोले तो आगे भेजा, अगले पे चलते हैं। श्योर है? अच्छा मैं इससे पहले कि आगे जाऊं, मेरे को पिलप को दीजिए, क्योंकि अब आपके लिए पिलप को भाई टाइम आ गया, सही है ना भाई? हाँ भाई, ये ले लेना आप याद करके, राइट है ना? आंसर नहीं है पीछे, इनके सॉल्यूशन दे रखे 1.9 के नाम पे, ठीक है ना भाई? अब जैसे मैं आपके सामने, मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस जंप कर करके कर दूंगा, 1-2 करे फिर छोड़ दिया फिर करा, ठीक है ना भाई? जैसे क्वेश्चन नंबर 125 दिखा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 125 में देखिएगा, लॉग 3 बेस में दे रखा x-1=2। आप तो बताओ इसे पढ़ोगे कैसे? 3x-1 की 2 पावर है, तो इसका मतलब 3x-1 की 2 पावर है, नहीं है? सही है कि नहीं? इसका मतलब मैं इसे खोल दूं, x²-2x+1=3, नाउ इट इज x²-2x-2=0। अब क्या करूं? सॉल्व, वेक्टर करूं? प्यार से वेक्टर दे दे तो बढ़िया, नहीं तो है कि नहीं? नहीं तो अपने पास हथियार हैं दूसरे, सही है? तरीका सुनना, देखो जरा, आप चाहें तो इसके फैक्टर ऐसे भी कर सकते हैं, मैं सिखा रहा हूं आपको। जैसे इसको ऐसे रहने दो, ठीक है? इवन मैं तो कहता हूं इसको भी ऐसे रहने दो, ठीक है? नहीं है? एक छोटा सा काम करो ना, x-1 का होल स्क्वायर इधर ही रखो, 3 को तू इधर आ जा, 3 जब इधर आएगा तो -3 इक्वल टू 0 हो गया, सही है? अब आप एक काम करो, x-1 का होल स्क्वायर इसको देख करके इसको भी शर्म आएगी, ये भी कहेगा मैं भी स्क्वायर होल्ड लेता हूं, नहीं है? फिर अचानक से ऐसे फील है कि यार अपन दोनों को a²-b² जैसे, तो a²-b² का इलाज एक बार a+b और एक बार a-b, नहीं है? बताइए सब, x के 2 आंसर आ गए, या तो ये 0 या ये 0, अगर ये 0 तो x की वैल्यू बोलो, इससे आने वाली x की वैल्यू बोलो 1 1-√3, इससे बोलो 1+√3, नहीं है? ये बात समझ में? अरे ये बात समझ में आई ना? आगे दोनों आंसर खत्म, लेकिन क्या दोनों आंसर चलेंगे? देख लेते एक बार जरा दोबारा, क्या मैं इसे किसी को बता √3 की वैल्यू? नहीं, सनी बताएगा √3 की वैल्यू, बोलो। हाँ 1.7, चलो बढ़िया 1.7, 1 में से 1.7 गया। अच्छा वो टाइम पे तुम देख ही रहे थे क्या? नहीं देख नहीं रहे, नहीं देख तो नहीं रहा था। नहीं, दीपक कुमार तुम्हारा नाम क्या नाम है? नंदन, नंदन, नंदन। हाँ भाई, 1 माइनस 1.7 इज, ये तो नेगेटिव 0.71 हो गया ना। अगर मैंने ये वैल्यू यहां डाली तो आप में से किसी को बताइए कैसा दिखेगा? लॉग 3 बेस माइनस का 0.71-1, क्या आपको पता बेस में नेगेटिव आ गया? मैंने तो सबकी कहा था चाहे बेस हो चाहे ये हो, हर बार कैसा होना चाहिए? तो चलेगा कि नहीं चलेगा?
नहीं चलेगा, इसका मतलब इसको टाटा कर दें, जबकि 1+√3 दौड़ेगा। इसका मतलब एक ही आंसर हुआ, नहीं आया। हाँ, इवन मैं आपको बताता हूँ, लोग दोनों आंसर देते हैं, पता है आपको, क्योंकि लोग आंसर निकालने में यकीन करता हूँ, उसे चेक करने में नहीं। ये मैं इतनी बकवास बात कर रहा हूँ ना, आपको यकीन नहीं होगा, मैं इतनी हल्के लेवल पे बात रख रहा हूँ कि आप, मतलब मैं सोचा आपसे ये तक पूछता हूँ कि इसे पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप जितना लाइट लेवल पे खेलोगे उतना बढ़िया है, जितना लाइट लेवल पे, खुद ब खुद सीखो। ठीक है, अगला देखो, रेडी? अब देखो अगला क्वेश्चन, देखते हैं आपके आंखें चौड़ा देंगे। देखो आप, लॉग 4 अंदर कितना है, 2 लॉग, फिर कितना है बेस में, 3, फिर अंदर देखो 1+ लॉग, एक और आ गया बेस में कितना, 2, फिर देखा 1+3 लॉग एक्स बेस 3, फिर तीनों ब्रैकेट इक्वल टू 1/2, सही है ना? बहुत हल्का खेल लिए। अब सर इसे कैसे पढ़ेंगे? हाँ, इसे पढ़ेंगे ना, अपन पढ़ते हैं इस सबको एक बार के लिए। अल्फा मान लो, क्या मान लिया? अल्फा, यहां से लेके यहां तक पूरा अल्फा है, तो ये लिखा हुआ जा रहा है लॉग अल्फा बेस 4 बराबर में कितना, पढ़ेंगे कैसे? अल्फा 4 की 1/2 पावर है, नहीं आया? अल्फा 4 की 1/2 पावर है। अल्फा बोले तो ये सब लिख दूं, इसका मतलब 2 लॉग बेस में 3, 1+ लॉग बेस में 2, 1+3 टाइम्स लॉग बेस में 3, सही है? ये सब अल्फा है हमारा, सही है? ये किसके बराबर है, 4 की पावर 1/2, नहीं आया? ये यहां तक कोई तकलीफ हो तो बोलो, नहीं आया? आ गया। अब आप बताओ 4 की पावर 1/2 2, तो मैं यहां 2 लिख दूं, सही है? उधर कितना लिखा हुआ है, 2 लॉग में कितना है, 3, अंदर जो कुछ भी है सब कितना लिखा है, 1+ लॉग बेस में 2 * में 1+3 लॉग एक्स बेस 3, सही है भाई? इस 2 से 2 कम कर दूं, यहां कितना रह गया 1। अब फिर वापस सुनो, अंदर जो इस लॉग के लिखा है उसको अल्फा मान लूं, तो ये मेरे लिए लिखा जा रहा है लॉग अल्फा बेस में कितना 3 बराबर में कितना 1, तो इसे कैसे पढ़ूंगा, अल्फा 3 की 1 पावर है, उल्टा पढ़ते ना, अल्फा 3 की कितनी पावर है और आंसर है 1, तो इसका अल्फा 3 की 1 पावर है, तो मैं यहां लिख दूं, ये अल्फा लिख दूं भाई, अल्फा की जगह 1+ लॉग बेस में कितना 2 * में 1+3 टाइम्स लॉग एक्स बेस 3 इक्वल टू में कितना 3 की पावर 1, अरे 3 की 1 पावर है ना, इसका मतलब कितना हो गया 3, इधर वाला 1 थोड़ी देर बाद इधर आ जाएगा, घटने के लिए आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो बताइए साहब कितना रह गया यहां पे, लॉग बेस में 2 1+3 टाइम्स लॉग एक्स बेस में कितना 3 इक्वल टू कितना 2, अभी भी नहीं आया। अच्छा वापस अब फिर से बताओ, इसको क्या मान लो, अल्फा मान लो, पढ़ोगे कैसे, अल्फा 2 की कितनी पावर है, आंसर 2, इसका मतलब अल्फा 2 की 2 पावर है, तो इसका मतलब अल्फा 1+ कितना 3 log x बेस 3 इक्वल टू 2 की 2 पावर, बोले तो 4 पकड़ में है। अब आप बताओ ये 1 इधर आएगा कितना रह जाएगा 3, तो मैं यहां लिख दूं, इट इज 3 टाइम्स log x बेस में कितना 3 इक्वल टू में ये 4 और ये इधर आकर के 3, इस 3 से ये 3, यहां पे कितना रह गया 1, अब कैसे पढ़ोगे, x 3 की 1 पावर है, तो x इक्वल टू 3 टू बार 1 बोले तो 3, क्या आंसर आ गया? और इस बार चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपको पता है सब पॉजिटिव पॉजिटिव आना है, अभी आ गया, कितना सोचो आप, अभी पहला क्वेश्चन ही चालू हुआ था और अचानक से इसने इतना बड़ा हमला कर दिया, आप संभल भी नहीं पाओगे, सही है? और अगर आपने नहीं, ऐसे भारी क्वेश्चन भी नहीं है ये, तो जानबूझ करके बीच बीच में, ठीक है, कहते हैं बेचारा ब्रिलेपको वाला जो था, राइट है, देखें आप कैसे करेंगे, लॉग बेस में दे रखा है 3, यहां दे रखा है 1+ लॉग बेस में 3 2^(x-7) इक्वल टू 1। इस बुक की एक खास बात है, पता है क्या, इसके क्वेश्चंस इस तरह से एडजस्टेड हैं कि अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ के अगला क्वेश्चन कर लिया तो आपसे अगला नहीं होगा, हर क्वेश्चन आपको कुछ सिखाएगा, वो अगला बताएगा, जैसे मैंने वो क्वेश्चन करवा दिया, तब आप में से कई लोग अब सोच सकते हैं कि मुझे इसे क्या करना है, हाँ अल्फा मानना है, समझ में आ गया, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया, अगर मैं वो क्वेश्चन छोड़ के इसमें आ जाता तो गड़बड़ थी, आप अपने आप दिखाऊंगा मैं आपको, देखो मैं लगातार 4 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आएगा क्या सीरीज में कुछ बात है इसमें, करिए।
अल्फा 3 की 1 पावर है, इसका मतलब 1 प्लस लॉग बेस में 3 टू टू द पावर x माइनस 7 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 बोले तो 3, फिर इस 1 को उधर ले जाऊं तो मेरे को यहां दिखेगा लॉग बेस में 3 टू टू द पावर x माइनस 7 इज इक्वल टू 2। अब बताइए मैं फिर से क्या पढ़ूंगा, इसे अल्फा, मैं इसे पढ़ूंगा अल्फा 3 की पावर 2 है, नहीं पढ़ पाए तो मैं यहां पे कैसे पढ़ूंगा इसे, 2 टू द पावर x माइनस 7 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2, मैं नहीं जानता 3 टू द पावर 2 कितना होता है, 9, श्योर है आप, इसका मतलब 2 टू द पावर x बराबर 16, 16 कैसे हो गया, आप तो 9 बोल रहे थे, 7 भी जोड़ दिया। अच्छा आप में से किसी को पता है ये 2 टू द पावर माने x इज इक्वल टू आ गया, नहीं है, कर सकते हैं ना ये कहानी पकड़ में आ गई है ना भाई। अच्छा अब मैं इसके बाद का स्टेप सिखाता हूं, तो अपन ने तकरीबन 3 क्वेश्चन कर डाले है कि नहीं। अच्छा अब आप अगला कर सकते होंगे, उम्मीद है आप कर सकते हैं, राइट है, मैं उसके अगले पे आता हूं 129 पे, रेडी, लॉग बेस में 3 दे रखा है, 9 माइनस 2 टू द पावर x अपॉन पूरे के नीचे अपॉन है 3 माइनस x इज इक्वल टू 1, पढ़ लिया आपने, मेरा चांस है, पहला काम मेरा, लॉग अकेला नहीं है, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर में कुछ है, सही है, तो पहले से ढंग से लिख रहा हूं, 9 माइनस 2 टू द पावर x लिख दो इज इक्वल टू 3 माइनस x, ये कितनों को आया समझ में, आ गया नहीं आया, क्या किया मैंने, सही है। अब थोड़ा आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, अब आपको ज्यादा सोचना है, सोच लोगे जैसा दिखा रहा हूं सोचना, ये मेरे लिए अल्फा, अल्फा 3 की इतनी पावर है नहीं है, अल्फा 3 की 3 माइनस एक्स पावर है, अल्फा 3 की 3 माइनस एक्स पावर है, नहीं है समझ में, 3 की पावर 3 माइनस एक्स अल्फा है, अल्फा 3 की कितनी पावर है, आंसर है 3 माइनस एक्स, तो अल्फा 3 की 3 माइनस एक्स पावर है, अभी भी नहीं है 3 की 3 माइनस एक्स पावर, पकड़ में आया, थोड़ा सा आया, थोड़ा बहुत आएगा, थोड़ा बहुत उलझ जाता है, ठीक है ना, अब लेकिन संभालना अपने को। अच्छा क्या करा जाए, अच्छा बेस में कितना 2 है क्वेश्चन में, श्योर है, अच्छा चलो ये एक अच्छी बात बता दी आपने, ये बेस में 2 बता रहा है, अगर यहां बेस में 2 है तो यहां 2 कर दूं, अच्छा अगर बेस में 2 हो गया तो आप कैसे पढ़ूंगा, अल्फा 2 की, अरे 2 की 3 माइनस एक्स पावर है, तो मैं यहां पे 2 की 3 माइनस एक्स पावर कर दूं, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। अब आप में से कितने लोग, ये इम्तिहान है आपका, ये सोचना इंडाइसेस समझते हैं क्या, पावर समझते हैं आप, ये जानते हैं ये लिखा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर माइनस, नहीं है, और ये लिखा हुआ है 2 की पावर एक्स, श्योर है। अच्छा अब आप दोबारा सुनना, मैं आपके सामने इसको लिख रहा हूं और ये 9 तो है, 9 माइनस 2 टू द पावर एक्स, सोच लिया, अच्छा इसे मैं लिख रहा हूं 8, किसे मैंने 8 लिख लिया, 2 की पावर 3 पता होगा, अच्छा 2 की पावर माइनस एक्स को अपॉन 2 की पावर एक्स, सोचो यहां तो कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, क्या आपको पता है ये नीचे जाके प्लस का हो गया, फिर अचानक से मैं एक चेंज करता हूं, मैंने लिखा इसे 9 माइनस टी इज इक्वल टू में 8 बाई टी, क्या बताना पड़ेगा टी कौन, या सोचने में आ गया आपको, अगली लाइन लिख रहा हूं, ठीक है ना, देखें आप में से कौन समझ रहा है, अगली लाइन को सुनना, अगली लाइन है मेरे लिए, राइट है, इट इज 90, सोच लिया होगा आपने, 90 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 8, अगली लाइन सोच लो, अगली लाइन सोची किसी ने, क्या टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस 8 इक्वल टू 0, सोचा क्या किया, सोच लो, नहीं सोचा, सोचा क्या किया, अरे इधर ले गया, इधर इधर नहीं आया, अच्छा ये मेरे को दिख रहा है टी माइनस 1 टी माइनस 8 इक्वल टू 0, सोचा इसका मतलब टी की वैल्यू कितनी, कौन कौन सी, टी इजिकल टू 1, टी इजिकल टू, और सही है, लेकिन टी किसे माना था, मैं तो भूल गया, 2x को या 2 की बार x को, तो इट इज 2 टू द बार x इजिकल टू 1, और 2 टू द बार x इजिकल टू, इसका मतलब 2 टू द बार x इजिकल टू 2 टू द बार 3, इसका मतलब x इजिकल टू 3, इसका मतलब 2 टू द बार x इजिकल टू 2 टू द बार 0, इसका मतलब x इजिकल टू 0, क्या ये बात सही है, क्या दोनों आंसर लेके जाऊं या चेक करें, चेक करें, बोलिए x इक्वल टू 0 रखते हैं, रखो x की जगह 0, x की जगह 0 रखते हैं, 2 की पावर 0,
वन, नाइन माइनस वन पॉजिटिव और नेगेटिव, बस फिर हमें क्या डर है, लॉक और नक पॉजिटिव पसंद है। अब आ जाओ तीन रख के दिखाओ, आओ भाई तीन रखो, तीन रखते टू टू बार थ्री, टू टू बार थ्री एट, नाइन माइनस एट पॉजिटिव और नेगेटिव, बस दोनों आंसर सही है, वैलिड है दोनों आंसर। क्या आपने चेक कर लिया, एज सिंपल एज, फटाफट कॉपी कर लें। अब ये काम करेंगे, बेस में कुछ है ही नहीं तो क्या माने बताओ, टेन, क्योंकि ये प्रलेप को है, सही है ना भाई। अब मैं आपके सामने अगला गेम खेल रहा हूं, आप तो मैं एक शॉट खेलूंगा, आप मेरे को जवाब देना कितने लोगों को समझ में आ गया। रेडी, शॉट खेलेंगे शॉट, ठीक है रेडी, जवाब देना आप। मुझे दिख रहा है लॉग फाइव इंटू एक्स प्लस टेन, ठीक है प्लस के सॉरी इंटू टू एक्स माइनस वन अपॉन ट्वेंटी वन एक्स माइनस टेन इजिकल टू वन। आप मुझे जवाब दीजिए कि ये हुआ तो हुआ कैसे, सोच के जवाब दो कैसे हो गया, क्या क्या करा, क्या क्या सारे लॉग एक तरफ ले गया, ले जाऊं। अच्छा बताओ ये लॉग जिस दिन इधर आएगा तो माइनस का होगा कि प्लस का, क्योंकि यहां प्लस का तो उधर जाकर के, और जो माइनस का है वो उधर जाकर के प्लस का। अच्छा आपको कितने लोगों को पता है जो चीज प्लस में वो मल्टीप्लाई होती है और जो माइनस में वो, तो ये किसका था, ये वाला लॉग उधर जाके किसका हुआ, ये वाला उधर जाके माइनस का, इसीलिए 21 माइनस एक्स डिवाइड में आया, ये वाला लॉग इस तरफ आकर के प्लस का हो गया इसलिए 2x माइनस 1, और ये दोनों के बीच में आपस में प्लस लगा है कि नहीं लगा, तो लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन नहीं आया, आया। अच्छा जल्दी से जिनको ये बात आ गई बढ़िया, जिनको नहीं आई वो इधर जवाब दें। क्या आपको दिखता है log 3 प्लस log 4, ठीक है माइनस में दे रखा है log 7, ठीक है ना माइनस में log 8, कितने लोग बता सकते हैं इट इज इक्वल एंड टू log क्या, डायरेक्ट बोलना है 3 इंटू 4 अपॉन 7 इंटू 8, कैसे जो प्लस वाले वो मल्टीप्लाई में गए और जो माइनस वाले है वो डिवाइड में गए। अभी भी नहीं आया समझ में, ये बात आपके समझ में आई तो सोचो जरा, ये दोनों ये इधर जाकर के कैसा हो गया नेगेटिव, सही है, और जबकि ये इधर आकर के कैसा हो गया पॉजिटिव। समझ में आया, जो चीज पॉजिटिव हो जब तो गुणा में आ गई। अभी भी नहीं आया, जिन्हें ये बात समझ में आ गई गुड, अभी दोबारा सुनना, अब वापिस से हाथ का एक इशारा और आप में से कई लोगों का दिमाग फिर चल पड़ेगा। अल्फा, अल्फा बेस में क्या है, अल्फा 10 की वन पावर है, नहीं है अल्फा 10 की वन पावर है, इसका मतलब 5 इंटो एक्स प्लस 10 इंटो 2x माइनस 1 अपॉन 21x माइनस 10 इजिकल टू 10 की वन पावर, लेकिन 10 टू द पावर 1 10 होता है, इस 5 से ये 10 टू टाइम्स कट गया। आप बताओ नीचे वाले को क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तब तक ये तीनों ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के दे रहे हैं 2x स्क्वायर और प्लस का 19x, ठीक है ना माइनस का 10 इजिकल टू में उधर हो गया 21x माइनस 10, माइनस 10 और माइनस 10 कट गया, 21x इधर आकर के ये 2x स्क्वायर माइनस 2x हो गया, इसका अंदर 2x कॉमन ब्रैकेट में x माइनस 1 हो गया, इससे मेरे पास x की दो वैल्यूज आ रही 0 और 1, क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ क्या 5 से मल्टीप्लाई, ये 5 और 2 कट गया ना, कट गया 2 का क्या किया मल्टीप्लाई, अरे हाँ 2 का तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं, सही बोला बालक, सही है, अच्छा है मैंने तो 2 की मल्टीप्लाई नहीं करी। ये इधर कितना बन गया था x स्क्वायर प्लस 20 माइनस का 19 प्लस का 19x माइनस का 10 इज इक्वल टू 42, सोच लिया आपने मल्टीप्लाई भी तो करनी है, 42x माइनस 20, अब 42x को इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस 42 गया तो कितना हो गया 42 माइनस ये 23, सही है भाई,
माइनस का 23x प्लस का 10 इक्वल टू 0। आगे आप सॉल्व कर लोगे, है ना? मेरे को लगता नहीं वैसे सॉल्व होगा, शायद ही, बहुत प्यार से तो नहीं होने वाला। ऊपर भी कुछ रह गया? वो 5 से नीचे का माइनस 10 कर सकते हैं। कौन सा वाला 10? हाँ ठीक है ना, हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये कहानी पकड़ में आ गई, है ना? आगे आप सॉल्व कर लेना, है ना? मैं इसका तब तक आंसर देखता हूँ अपन सही थे या गलत थे। पेज नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134, 1.9 सेक्शन 1.9 सेक्शन 1.10 तो मिल गया। क्वेश्चन नंबर 134, का 3/2, 10 मल्टीप्लाई रॉन्ग है ना? अरे यार आज अपन ने गलती कर दी ना, हाँ दूसरी गलती कर दी, सही कह रहे, तो यहाँ 2x² हो जाएगा, अभी भी आ जाएगा पकड़ में, है ना? प्लस में 20, बाकी सब बराबर है, नहीं होगा, सही है। कितना हो रहा है? -19 -40। अच्छा क्वेश्चन में 20 है, हाँ ये बात सही है, अपने से क्वेश्चन जरूर रॉन्ग हुआ है, क्वेश्चन में गलती नहीं हुई है, ठीक है? क्वेश्चन में यहाँ 20 है, 20। अच्छा मान लो एक बार अगर स्प्लिट नहीं होता तो क्या करते हैं बताओ? हाँ वो डी निकाल देंगे, याद है आपको? एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, उससे जो दो आंसर आते हैं वो हमारे आंसर हो जाएंगे, निकल जाएगा ना? हाँ अगर भाई जो अड़ी पड़ेगी तो वो लगाएंगे, फिलहाल तो हमें ये पता चल गया ना क्वेश्चन में कहां तक गलती, आप करके कहां तक लाने वो बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 125 से लेकर के 180, तो अभी मेरे को बहुत सिखाना है आपको, बहुत सिखाना है उसमें, ठीक है ना? नहीं आज के दिन पे आप ज्यादा से ज्यादा 137 तक करो बस, नॉट मोर देन दैट, ठीक है ना भाई? इसमें देखना अपने से कहीं जान निकल जाएगी, क्या बात कर रहा है।